तो वहीं मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस सेमीफाइनल के जरिए तीसरी पार्टी भी अपनी जमीन तलाश रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के जरिए प्रमुख सियासी दलों के अलावा तीसरी ताकतें भी मध्य प्रदेश का सियासी मिजाज टटोल रही हैं। सपा और बसपा के साथ ही आम आदमी पार्टी और AIMIM भी इस चुनाव में अपनी ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। पंजाब में सरकार बनाने से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में जोर आजमाइश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर महापौर और पार्षद प्रत्याशियों को उतारा है। सिंगरौली और ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। AIMIM ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, खंडवा, रतलाम और बुरहानपुर में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं सपा और बसपा ने भी निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम लोग अभी नगरीय निकाय के चुनावों में तमाम जगहों पर हमारे महापौर खड़े हो रहे हैं, तमाम 2000 से ज़्यादा पार्षद खड़े, कई जिला पंचायत सदस्य, कई जिला जनपद पंचायत सदस्य, तमाम सारे सरपंच हमारे जीत करके आए हैं अभी पहले राउंड में। तो ये साफ दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता लंबे समय से जिस विकल्प का इंतजार कर रही थी, उस विकल्प के लिए उन्हें आम आदमी पार्टी के नाम पर वो विकल्प मिल गया है। और आने वाले चुनाव जो भी ये हो रहे हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उस चुनाव के परिणाम आपको बता देंगे कि तीसरा दल अब दूसरा दल बनने जा रहा है और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। हालांकि प्रदेश में इससे पहले भी अन्य दल अपनी ताकत आजमा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं रहा है। प्रमुख सियासी दलों का भी यही मानना है कि मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प को लेकर बहुत संभावनाएं फिलहाल दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में बरसों से तीसरा दल संघर्ष कर रहा है स्थान बनाने के लिए, लेकिन प्रदेश में कभी भी तीसरी ताकत स्थापित नहीं हो पाई है। समय समय पर सपा भी आई, बसपा भी आई, और भी लोग आए और गए, ऐसा तीसरा कोई दल स्थापित हो नहीं पाया। जो आम आदमी पार्टी खुद को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, वो पंजाब में सरकार होते हुए भगवंत मान जो खुद मुख्यमंत्री हैं उनकी लोकसभा सीट हार जाती है, और असदुद्दीन ओवैसी जिनकी बात बड़ी चर्चा की जा रही है, वो असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में कुल 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस से नाराज वोटर्स के जरिए आम आदमी पार्टी और AIMIM अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं। हालांकि अब निकाय चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि प्रदेश में तीसरा दल कितना असर दिखा पाएगा। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दौर में अब लोक लुभावन वादों का दौर प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। निकाय चुनाव में सियासी दलों की ओर से जनता को रिझाने के लिए घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। प्रत्याशियों की घोषणा पहले करने की तर्ज पर कांग्रेस ने बीजेपी से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से कई लोक लुभावने वादे किए हैं, जबकि बीजेपी 1 जुलाई को निकाय चुनाव का घोषणा पत्र जारी करने वाली है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने हाउस और जल कर को आधा करने का वादा किया है। अलग अलग नगर निगमों में कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर रही है, जबकि बीजेपी राज्य और स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस के चुनावी वादों पर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दे, जो मुमकिन नहीं है। अरे जब प्रदेश की बदली थी तब नहीं चला पाए, नगर की बदल देंगे तो कहां से चलाएंगे और पैसा लाएंगे कहां से? विकास की बातें कर रहे हैं तो पैसा लाएंगे कहां से? राज्य में सरकार उनकी नहीं, केंद्र में सरकार उनकी नहीं है, फिर वही झूठ बोलेंगे, फिर हम पे आरोप लगा के अपनी रिसीव कर लेंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने जो वादे पहले किए थे उन्हें पूरा किया था, अब भी जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा।
आप देखेंगे कि संकल्प पत्र में ऐसी चीजें दी गई है जो जनता के हित की है और लगातार हम उस पर वर्क कर रहे हैं। हमारा विजन है कि जनता को किस तरीके से प्रदेश के अंदर एक अच्छा वातावरण निर्मित करके दें। भाजपा का काम तो केवल आरोप लगाना है और हर क्षेत्र में केवल आरोप लगाकर बैठना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनता को लुभाने की जुगत में लगे हुए हैं। बीजेपी की समस्या ये है कि केंद्र और प्रदेश दोनों स्थानों पर सरकार होने के कारण पार्टी टैक्स कम करने जैसे वादे करने में दुविधा महसूस कर रही है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।